ये वीडियो आपने पिछले 3 दिनों में कई बार देखा होगा। इस वीडियो के 2 मायने हैं। पहला ये कानपुर में हुई हिंसा का ये वीडियो है। दूसरा ये कानपुर में बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के मोहम्मद पैगंबर साहब को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद हुए प्रदर्शन और हिंसा का वीडियो है। दरअसल नुपुर शर्मा ने जो कुछ कहा उसका असर उत्तर प्रदेश के कानपुर से लेकर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। एक ओर कानपुर में हिंसा हुई तो दूसरी तरफ अरब देशों में भारतीय प्रोडक्ट्स का विरोध होना शुरू हो गया। अल जजीरा ने इल्ला रसूल अल्लाह या मोदी के हैशटैग के साथ एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में लिखा गया, दरअसल ये ट्वीट अरबी भाषा में है जिसका हिंदी तर्जुमा है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी एक प्रमुख राजनेता द्वारा पवित्र पैगंबर के अपमानजनक ट्वीट की अस्वीकृति में अरब देशों में गुस्से की लहर और भारत के बहिष्कार का आवाहन। ऐसे में देखा जा रहा है कि अरब देशों में जहां भारतीयों की अच्छी संख्या है वहां भारतीय प्रोडक्ट्स और भारत का विरोध हो रहा है। यही नहीं, कतर सरकार की ओर से भारतीय राजदूत को तलब भी किया गया। इस पर भारतीय राजदूत का कहना है कि जो विवादित टिप्पणी की गई इसका भारत सरकार से कोई लेना देना नहीं, ये ट्वीट इंडियन गवर्नमेंट के विचारों को नहीं दर्शाते हैं। हमारी सभ्यतागत विरासत और विविधता में एकता और मजबूत सांस्कृतिक परंपराओं के अनुरूप भारत सरकार सभी धर्मों को सर्वोच्च सम्मान देती है। यही नहीं, कानपुर दंगे के बाद भारतीय जनता पार्टी भी सक्रिय हो गई है। उन्होंने पहले एक बयान जारी किया जिसमें कहा, पार्टी को ऐसा कोई भी विचार स्वीकृत नहीं है जिसमें किसी भी धर्म या संप्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। वो सभी धर्मों का सम्मान करती है। पार्टी किसी भी धर्म के पूजनीय लोगों का अपमान स्वीकार नहीं करती। वहीं इसके कुछ ही समय बाद नुपुर शर्मा को बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया। कुल मिलाकर इस पूरे मामले पर बीजेपी दबाव में दिख रही है। वहीं नुपुर शर्मा की ओर से माफीनामा भी सामने आ गया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, मैं पिछले कई दिनों से टीवी डिबेट पर जा रही थी जहां रोजाना मेरे आराध्य शिव जी का अपमान किया जा रहा था। मेरे सामने ये कहा जा रहा था कि वो शिवलिंग नहीं फव्वारा है। दिल्ली के हर फुटपाथ पर बहुत शिवलिंग पाए जाते हैं, जाओ जाके पूजा कर लो। मेरे सामने बार बार इस प्रकार से हमारे महादेव शिव के अपमान को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने रोष में आके कुछ चीजें कह दी। अगर मेरे शब्दों से किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। मेरी मंशा किसी को कष्ट पहुंचाने की कभी नहीं थी। नुपुर शर्मा। कुल मिलाकर नुपुर शर्मा के दिए गए इस बयान के बाद कानपुर से लेकर कतर तक बवाल मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज, लखनऊ।